सॉरी स्वीटी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। बहुत ज़रूरी कॉल था, इसीलिए मुझे लेना पड़ा। आपने बताया कि उन्हें कि आप जेल में थी? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं मॉम? एक मिनट, तुमने मेरा बैग चेक किया? यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता एदा, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। आई डोंट केयर। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि आप इतने सालों तक जेल में थी? मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। इस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं मॉम। आप मुझसे और क्या छुपा रही हैं? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब पता लगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए आसान था? एक माँ अपने बच्चों को कैसे बता सकती है कि वो जेल में थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मुजरिम समझो। तुम्हें पहले ही लगता है कि मैं काफी गलत कर चुकी हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एदा प्लीज प्लीज स्वीटी, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। आप जेल में क्यों थी मॉम? आपका जुर्म क्या था? हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। मुझे दुख है कि तुम्हें इस तरह पता लगा। सुनो स्वीटी, प्लीज पहले हमें अपने खोए पलों को फिर से पाना है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आपके साथ जो भी हुआ मुझे वो सब जानना है, सारी बातें जाननी है। ठीक है, पर पहले माँ तो बन जाने दो ना मुझे। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब हमें बहुत सारा वक्त साथ गुजारना है। स्वीटी, अब से मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी बात मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। पर स्वीटी प्लीज मेरी एक बात मानोगे? ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना मेरी बच्ची। हाँ ठीक है, पर ये बात तो सब जानते होंगे। तुम्हारे आंटी अंकल को पता है, वो इस बारे में जानते हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। उन्होंने मेरा राज राज रखा और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुम्हारी आंखों में मुझे गिरने नहीं दिया उन्होंने। सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा है। सब कुछ एक के बाद एक हो रहा है। सब कुछ, मुझे इतना परफेक्ट दिखने की आदत ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब कुछ ठीक तो हो रहा है। एक बात बताऊं असल, तुम सच में ये सब डिजर्व करती हो? ये सब असली तो है ना एरदम, मेरा मतलब स्कॉलरशिप, कॉन्टेस्ट, कॉलेज। मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं, सब असली है, एकदम असली है। और मेरा और गोंजा का ये बेकरी खोलना भी असली है। सच कह रहा हूँ असल, हम भी लाइफ में एक अच्छा ब्रेक डिजर्व करते हैं। बुराक के साथ भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बुराक भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे खुशी है तुम दोनों में सुलह हो गई। अरे नहीं, प्रोफेसर ओनल को बताना तो मैं भूल ही गई। करो फौरन कॉल, करो कॉल, करो उनको। हेलो प्रोफेसर, आप बिजी तो नहीं है ना सर? मुझे लगता है इस डिजाइन में रंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से बहुत स्पेशल है। मुझे बहुत लाउड लगा। जरा ये वाला देखो, बहुत ही नेचुरल और कम्फर्टिंग है। और प्रोडक्ट को किसी कैरेक्टर के साथ जोड़ना भी फायदेमंद होगा। ऐसे डिजाइन अटेंशन अट्रैक्ट करेगी।
और देखो, बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों ना हम सब इस बारे में सोचे और अपनी फेवरेट डिजाइनर चूज करें, और जो डिजाइन मेजोरिटी में पसंद आएगी वो जीतेगी और उसे प्राइज मिलेगा, क्या कहते हो, है ना? बिल्कुल। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगी कि इसकी डिजाइनर कौन है अर्चन मैम। सच में? क्या हम इसे जानते हैं? हाँ, आप इन्हें बहुत करीब से जानती हैं। कौन है वो? चाला मैम। क्या मतलब? जरा एक मिनट, ये डिजाइन चाला की है? पर कैसे? चाला मैम आपको बताना नहीं चाहती थी, उन्हें आपको सरप्राइज देना था। पहले तो सबमिट नहीं कर रही थी, पर जब उनको ये पता चला कि नाम नहीं बताया जाएगा तो वो अपनी फाइल छोड़ के चली गई। उन्हें लगा कि शायद आप उन्हें फेवर करेंगी। क्या बात है। चलो, वेल डन। मेरे साथ लंच करने के लिए और घर तक छोड़ देने के लिए थैंक्स बेटा, बहुत बहुत थैंक्स। यू आर वेलकम। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मेरी प्यारी बेटी, स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद अपने बेटे से मिल रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, ऐदा अंदर जाओ। ऐदा, मैंने कहा ना अंदर जाओ, अभी के अभी जाओ अंदर। बेटा, मुझे बेटा बुलाते हुए शर्म नहीं आई? हाँ, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। मेरी फैमिली और मेरी बहन से दूर रहो, समझ गई तुम? जहां से आई हो वापस वहीं लौट जाओ। ऐसा तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, मेरे मना करने के बावजूद उस औरत से क्यों मिल रही हो? वो औरत मेरी मॉम है भैया, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। वो इतने सालों तक हमसे दूर थी, शायद इसमें उनकी गलती नहीं है। मुझे अपनी मॉम से मिलने का हक है और मैं उनसे मिलकर रहूंगी। ऐदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। हमारी जिंदगी में उस औरत की कोई जगह नहीं है। तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे, जल्दी ही तुम भी अपनी माँ के करीब आ जाओगे। बुराक, तुम आ गए? हाँ, काम हो गया मेरा। तुम्हारा स्वागत है भाई। थैंक यू, ये लो तुम्हारे लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। कितना क्यूट है ये। वाओ, कितना प्यारा है। वैसे इसको लाने की जरूरत नहीं थी, पर थैंक्स। मैंने कहा था तुम्हारे पास सब है, मुझे समझ नहीं आया क्या लूं, तो मैंने ये ले लिया। हाँ, ये बहुत काम का है। इस पर केक ऑफ द डे लिख सकते हैं, दिन का स्पेशल लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत यूजफुल है। चलो, अच्छा, तुम्हारे कुछ तो काम आएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। मुझे एक जरूरी कॉल करना था, मैं भी आता हूँ करके, बस जल्दी से। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है।
तुम मेरी जिंदगी का रंग हो और इनसे तुम अपनी पेंटिंग्स में सुंदर रंग भर पाओगी। बुराक, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। ये हमारे कॉलेज में तुम्हें बहुत कम आएंगे। तुम इस बारे में जानते हो कि हम एक ही कॉलेज में जाने वाले हैं? हाँ? जब इस बारे में बात हो रही थी तब मैं घर पर ही था, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे कॉलेज में जाना चाहोगी कि नहीं। तो बिल्कुल चाहूंगी बुराक, अब मुझे जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। जब मैंने पहले तुम्हें कॉल किया था ना, तब मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, पर तब खैर छोड़ो। मुझे बहुत खुशी है बुराक कि हम दोनों एक ही कॉलेज जाएंगे। मुझे भी आसले, बहुत खुश हूँ मैं। चलो अब इस साल मैं कॉलेज तो अटेंड करूंगा, पर हम क्लास बंक नहीं करेंगे। ओके ठीक है, पढ़ाकू बन जाएंगे हम दोनों, ठीक है? ये कितने प्यारे हैं, इनसे सबसे पहले मैं अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मैं आ गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं चौला? क्या नहीं बताया मॉम? तुम्हारा डिजाइन फर्स्ट आया है। तुम्हारा जवाब नहीं, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। मुझे तुम पर सच में बहुत नाज है, तुम जानती नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मॉम मैं आपको बस बताने ही वाली थी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, पर तुम इतनी टैलेंटेड हो ये नहीं पता था। मैं सोच रही थी कि कॉन्टेस्ट में पार्ट लूं कि नहीं, पर बस मुझे आइडिया आया और मैंने बिना सोचे समझे हिस्सा ले लिया। तुमने कोशिश की, मेरे लिए इतना ही काफी था। तुम मुझे सपोर्ट करना चाहती थी और सबसे जरूरी, तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ओ हनी, देखो ना तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई, लो पी लो इसे। सेल्डा, तुम पूरे दिन मुझे दुनिया भर की हर्बल टीज पिलाती रहती हो, आखिर ये है क्या? हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मेरी बात को समझो, इन चीजों से तुम्हारा इलाज हो रहा है। कैसा इलाज? हाउ सिनान। हेलो यंगे। सिनान, अच्छा हुआ तुम आ गए भाई, मुझे इस टॉर्चर से तो बचा लो प्लीज। भाई यंगे, ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। तुम भी सिनान, तुम्हारे भाई किसी बच्चे से कम नहीं है, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा। मैं गार्डन में जाता हूँ, वहाँ बकरी की तरह घास चरता रहता हूँ, करता रहूंगा। अरे बस करो निहार, मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे उल्टी बातें सुना रहे हो। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए मुझे, है कि नहीं सिनान? सुनो इनकी बात। थैंक यू हनी, थैंक यू। हेलो। चाय? हाँ बोलकर बोलो। डैड कहाँ है आप? तुम्हारे अंकल के यहाँ। ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए आज। वोल्कन, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। डैड फोन पर नहीं बता सकता मैं, बशाक के बारे में है। आप घर आ जाइए प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ वोल्कन। क्या हुआ सिनान, सब ठीक तो है? सब ठीक है, वोल्कन का कॉल आया था, मैंने बच्चों के साथ कुछ प्लान बनाया था इसलिए वो घर आने के लिए कह रहा था। ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ऑफिस लौटो। हाँ मैं भी वही चाहता हूँ। सुनो सिनान, थोड़े दिन इन्हें घर पर ही आराम करने दो ना, घर पर रह के आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मुझे चलना चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू एंगे, मिलते हैं, ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल सिनान, ठीक है।
बच्चों को हाय कहना। हाँ बिल्कुल, गुड डे, मिलते हैं भाई। थैंक यू। हनी, तुम्हारा एक कप भी पूरा नहीं हुआ अब तक, एक कप और पीना है तुम्हें। दोनों कप पीने के बाद ही फायदा होगा। चलो अब क्या होगा, शायद हमें तुम्हारी मॉम को सब सच बता देना चाहिए। तुम कुछ भी मत कहो टूचे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने कॉन्टेस्ट जीता कैसे। तो अब क्या, अब वो हमारी कंपनी के लिए काम करेगी? यही ठीक होगा, क्योंकि मैं तो उसे एक पाई भी नहीं देने वाली। शाला, उन्हें पता चल गया डिजाइन उसकी थी तो? अगर उसने साबित कर दिया तो? वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ तुम सही कह रही हो, पर अगर ये बात तुम्हारी मॉम को पता चल गई तो ठीक नहीं होगा। टूचे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पता है जब उससे झगड़ा हुआ था वो एकदम चुप थी, क्योंकि वो लूजर है। मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सच है, वो तुमसे बहुत ज्यादा डरती है। इसलिए उसकी फिक्र मत करो, उसने मुझसे जो चुराया उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। यार हमारे पास बेकिंग पाउडर वेनिला नहीं है, मुझे लगा लाई हो तुम। ओह हनी, इतनी सारी चीजें थी ना, तो शायद हम भूल गए। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ ना। आइडम, नहीं तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आती हूँ, तुम कुछ भी ले आओगे। ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ भी क्यों ले आऊंगा मैं? आइडम, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं जान, ऐसा क्यों कहूंगा मैं, हम दोनों लोग साथ चलते हैं ना हनी, वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तुम ये सब संभालो, हम अभी वापस आते हैं। ओके, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अब तक मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम मेरी हेल्प करोगे। चलो अब अंडे फोड़ो, फोड़ो इन्हें। हाँ बिल्कुल, अभी करता हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ बुराक, जल्दी करो। ठीक है बॉस, गुस्सा मत करो। बताओ कैसे करूं? देखती जाओ। बाउल में क्रैक करो। हाँ बढ़िया। रेसिपी के हिसाब से करो। यार मैं इस केक में इतना प्यार डाल रहा हूं कि और क्या ही करूं मैं, बताओ तुम। अच्छे से करो ना बुराक। अगर पसंद नहीं आया तो कोई और ढूंढ लो, समझ गए ना? पता है तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे यही करना चाहिए। छोड़ो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या नहीं, कुछ भी मत बोलो। यार बुरा, क्या किया तुमने? सीधा चेहरे पे। बुरा कैसे नहीं? हे, तुम कुछ ज्यादा ही फेंक रही हो। शुरू तो तुमने किया ना। ये लो और लो बुरा। मेरी नाक में जाएगा बुरा। ओ बुरा, बस करो, बस करो यार, मैं हार मान गई। अरे ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हारी आंखों देखो। हंसो मत। ठीक है, कितनी सुंदर। मेरा मजाक मत उड़ाओ। हम साथ में बूढ़े होंगे, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा।
क्या हुआ बोलकान? डैड अदा बार बार उस औरत से मिलती रहती है। क्या मतलब? यकीन नहीं होता। और उसने हमें बताया कैसे नहीं? वो औरत जानती है हम एडा को मना करेंगे, इसलिए उसने एडा को अपने काबू में कर लिया डैड। यहाँ तक कि वो तो उसे घर तक छोड़ने के लिए भी आई थी। काश वो उस औरत की असलियत जानती। डैड पता नहीं उसने एडा पर क्या जादू कर दिया है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है वोल्कान, शांत हो जाओ, मुझे उससे बात करने दो। बस बात ही करते रहेंगे, हमारे घर में तो घुस गई वो। ठीक है, शांत हो जाओ। ये बहुत ही अमीर है। ये सीखा कि हम तुम्हें किचन में अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे हम लोगों के पीछे बहुत मस्ती की तुमने। हाँ वो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब साफ कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, हम कर लेंगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, देखो। करें, एक मिनट रुको, इसे अरेंज करना होगा। हाँ हाँ मैं करती हूँ, तुम एक मिनट रुको ना। सफाई सफाई का सामान किधर है? थैली कहाँ है? दरवाजा भी नहीं खोला उसने। बहुत बदतमीज हो गई है वो डैड, मनमानी करती रहती है। फिर भी वोल्कान, उसे सख्ती करेंगे तो वो और बिगड़ेगी और मनमानी करेगी। हमें उसे अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसे सोच समझ के हैंडल करना होगा। देखिए डैड, मैं एडा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे पागल कर दिया है उस औरत की वजह से। ओके वोल्कान, पर प्लीज तुम्हें शांत रहना होगा, प्रॉमिस करो मुझे। ठीक है डैड, ठीक है। ओ हेलो बेटा। हेलो मॉम। यस डैड, अब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज डिनर में क्या है, शुरू करें? हनी तुम्हें याद है ना, हम डिनर हल्का ही कर सकते हैं। देखो तुम्हारे लिए बनवाए हैं खास, बॉइल्ड वेजीज हैं, एकदम फ्रेश। अगर मैं मेरे दिल की बीमारी से नहीं मरा ना, तो मैं भूख से जरूर मर जाऊंगा। ये लो हनी। बुराक, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सिनान की एक्स वाइफ बसाक वापस आ गई है। पता है मुझे डैड, वोल्कान ने बताया था। ओ बताया था? हाँ, वो औरत बहुत ही खतरनाक है बुराक, वो कुछ भी कर सकती है। उसका बस एक ही मकसद है, वो है हमारे परिवार को तोड़ना। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में उसका कोई जासूस है, क्योंकि वो हमसे हमेशा दो कदम आगे रहती है, उसे सब कुछ पता रहता है। तुम भी ध्यान रखना, वो बहुत ही खतरनाक है। ओके, हमेशा सावधान रहना। बेटा कंपनी के बाहर भी सावधान रहना, वो औरत हर जगह है, और ये भी हो सकता है वो तुम्हारा पीछा करवा रही हो बुराक। ओके, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मेरा मतलब ये है कि वो इस घर की शांति बर्बाद कर रही है, हमेशा मेरे ख्यालों में रहती है। हनी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। ओके हनी, मैं शांत हूँ, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, शांत हो जाओ। गुड इवनिंग एमएल जी, ये कार में से बैग गिर गया था। शुक्रिया हलील जी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी।
मैंने मीठा और चाय तैयार कर लिया है, आप लेंगे ना? बिल्कुल। आप शुरू कीजिए। नहीं, पहले आप। बहुत ही टेस्टी है, जैसा कि आपने कहा था बिल्कुल वैसा। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। असलो का कॉल है। हाँ बेटा। मॉम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपकी आवाज सुनने का मन किया। असलो सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मॉम सब ठीक है, बस आपसे बात करने का मन किया। ओ मेरी बच्ची, अच्छा किया। असलो तुम वापस कब आओगी? बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। बस कुछ ही दिनों में मॉम, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। मॉम क्या आपको वो कॉन्टेस्ट याद है? मैं उसमें फाइनलिस्ट हूँ। क्या सच कह रही हो? ओ असल कितनी अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा, और यकीन है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलेगा। मुझे भी मॉम। मॉम अब मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके ओके बेटा, गोंजा को मेरा हाई कहना, ठीक है? ठीक है ठीक है बेटा। किससे बात कर रही थी असल? मॉम से, वो मुझे मिस कर रही थी और मैं उन्हें। मतलब सिर्फ मैं ही तुम्हें मिस नहीं कर रहा? सब्र करो बुरा, बस कुछ दिन और। बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे लेने आने को कहोगी। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, मैंने तुम्हें बताया तो था। ठीक है मेरी जिद्दी गर्लफ्रेंड। ओके। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बुराक। ओके लव, हैव अ गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कल हमारी शॉप खुलेगी, मुझे तो ये कोई सपने से कम नहीं लग रहा। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों के बिना ये काम कभी नहीं हो पाता मुझसे। बस करो एरदम। सच्ची तो कह रहा हूँ मैं, देखो सब कुछ कितना सुंदर है, ये सब तुम ही लोगों ने किया है। उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब हो। मुझे भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम मेरे भाई। थैंक यू। सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मिल लूं। अच्छा किया। तो कोई हेल्प चाहिए किसी को? कुछ नहीं, हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। ओके तो चलता हूँ मैं। पर क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है। मैं तो यहाँ बस अपनी किस लेने आया था। सी यू। बाय बाय। मिलते हैं। प्यारा आदमी है। गुंजा जरा देखो ये ठीक है ना? देखने दो। टेढ़ा लग रहा है। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे वासले? किस लिए? चाला ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। बताओ क्या करना है। हेलचिन, इतने टेस्टी ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों में पहली बार मैं सांस ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत जरूरत है एक ब्रेक की, एकदम रिलैक्सिंग टाइम की। सिनान मुझे भी सच में।
तुम सचमुच कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर का साथ मिला है एलचिन। आई एम सो थैंकफुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। सिनान, मैंने तुम्हें सबसे नई खबर तो सुनाई ही नहीं अभी तक। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज हो रहा है। मॉम, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब तो तुम्हें बताना ही होगा। हम जो यूथ लाइन लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए कॉन्टेस्ट रखा गया था। पता है? चाला ने मुझे बताए बिना कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया और इसे फर्स्ट प्राइज मिला। ओह, कंग्रेचुलेशंस चाला। थैंक यू। आप लंच पार्टी में आएंगे ना? हाँ, कैसे मिस कर सकता हूँ। मेरी प्यारी बच्ची। अरे निहात, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ सेल्डा, प्लीज मुझे रोकना मत तुम। ओहो निहात, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, प्लीज घर पर ही रहो ना तुम। सुनो सेल्डा, देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम बाहर आकर प्लीज मुझे बाहर छोड़ो। मुझे घर पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें लगता है मेरे लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ पर निहात तुम। सी यू। अरे निहात सुनो, निहात मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। ऐदा, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज ऐदा। सुन रही हूँ। देखो अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। मुझे पता है भाई, लेकिन प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करिए। हाँ मुझे पता है कि तुम मॉम से नफरत करते हो, पर मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। वो तुम्हें शुरुआत से ही धोखे में रख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी गलती नहीं है, पर मैं उन्हें जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। वो हमारी मॉम है और चाहे कुछ भी कर लो वो हमेशा हमारी मॉम ही रहेंगी। तुम करती तो वही हो जो हमेशा तुम्हारा दिल चाहता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे उसके लिए कोई सफाई नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो भाई। पूरी दुनिया में मेरी एक ही तो प्यारी सी बहन है, तुम्हें खतरे से बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ मैं जानती हूँ। आज क्या हम दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं? नहीं आज नहीं जा सकते एडा, मुझे बहुत काम है, ऑफिस भी जाना है। ठीक है किसी और दिन चलेंगे। तुम आसली से मिल लो। मैं भी उसके बारे में ही सोच रही थी, फिर सोचा उसे अपनी प्रॉब्लम्स क्या बताऊं, वो बोर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, आसली हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, उसे भी तुमसे मिलकर बात करने में बहुत खुशी होगी। कॉल कर लो उसे। सच में? ठीक है उसे कॉल करती हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम आराम से बात कर लेना। ठीक है। ये देखो हमारी नेम प्लेट भी आ गई। ये नेम प्लेट है? वो तो मैं भूल ही गई थी। क्या नाम रखा तुमने? नाम तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया था। हाँ पर आयरदाम हमसे भी तो पूछ लिया होता, नाम बहुत जरूरी होता है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, ये तुम्हारी शॉप है इसलिए नाम तो तुम ही रखोगे। क्या मतलब मेरी शॉप है? अरे हमारी शॉप है ये, हम सबकी शॉप है। रुको नाम दिखाता हूँ अभी तुम्हें। आयरदाम, ओ स्वीट हार्ट। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बहुत अच्छा है एकदम, बहुत बढ़िया आइडिया है। यही सबसे बेस्ट नाम है ना? ओह हेलो एदा। हाय असले, कैसी हो तुम? ठीक हो और तुम? झूठ नहीं बोल सकती,
मैं ठीक नहीं हूँ, परेशान हूँ। क्या हुआ ऐदा, बताओ तो। मैं फोन पर नहीं बता सकती, मॉम के बारे में है। अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, तुमसे बात करके ही मुझे अच्छा लगने लगा। अभी एक घंटे के लिए मैं बिजी रहूंगी, उसके बाद ही मैं तुमसे मिल सकती हूँ। हाँ ठीक है, काम होने के बाद तुम मुझसे मिलने घर आ जाना। नहीं घर तो नहीं आऊंगी, कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम किसी कैफे में मिल सकते हैं। ठीक है जल्दी मिलते हैं, सी यू सून। ठीक है थैंक यू, मिलते हैं। बहुत अच्छा है ये। बढ़िया है ना? शानदार लग रहा है। अरे मुझे पता था कि जब भी मैं कोई शॉप खोलूंगा उसका नाम गुंजा ही रखूंगा, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा इस बारे में। पक्का था। ये कितना सुंदर लग रहा है। हाय मैं खुशी के मारे रोना दूं। निहात सुनो, मुझे ऐसा लगता है या तो ये है या फिर ये, मुझे तो इन दोनों पर ही शक हो रहा है निहात। और वो किस बिना पर? तुम्हें क्या लगता है जान, पैसा और क्या? देखो इस आदमी का बैंक लोन है और उसने यहाँ की सैलरी की गारंटी दी है, जाहिर है कि वो उधार में है। और ये औरत सिंगल मॉम है जिसके दो बच्चे हैं, और ये कई बार एडवांस में पैसे भी लेती है। क्या तुम समझे नहीं इसका मतलब? दोनों फाइनेंशियली कमजोर हैं और इन दोनों को पैसों की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो क्या? तो मतलब हनी, मेरे कहने का ये मतलब है कि बशक इन्हें आसानी से पैसों का लालच दे सकती है। देखो सहरा, ये सब तुम्हारा अंदाजा है, पर ये ध्यान रखो कि सिर्फ इसलिए कि ये जरूरतमंद हैं, ये धोखेबाज नहीं बन सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हम इन पर शक नहीं कर सकते हैं, ये ठीक नहीं होगा। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, शायद तुम ठीक ही कह रहे होगे, हो सकता है। ठीक है तो हम इन्हें ध्यान में रखते हैं, पर दूसरे लोगों को भी चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सेल्डा मैम उन दोनों पर शक कर रही है। ठीक है मैं पता करके आपको बताऊंगी। जी बेशक मैम। ठीक है मैम, पर जैसे कि मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, निहात सर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। सॉरी पर इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। गुड बाय। क्या हो रहा है बेतुल? मिसेस बशाक। अब उसे क्या चाहिए? वो हर रोज कॉल करती है और निहात सर से मिलना चाहती है। सेल्डा मैम ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। मैं बशाक मैम को समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो समझती ही नहीं, हमेशा कॉल करती रहती है। थैंक यू बेतुल, तुम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर। कोई प्रॉब्लम नहीं सिनान सर, मैं सालों से आपके लिए काम कर रही हूँ, इन सब से मुझे भी दुख होता है। मैं बशाक मैम को हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, अगर उसने फिर से कॉल किया तो सीधा मुझसे बात करवाना, ठीक है? ओके। भाई अंदर है? हाँ वो सेल्डा मैम के साथ ही है। ठीक है थैंक्स। हाँ मतलब हेलो। हेलो डियर। हेलो सिनान, अब आप कैसे हो भाई? आप काफी बेहतर लग रहे हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी आसानी से घर पर नहीं बैठने वाला हूँ मैं। मुझे एक मीटिंग में जाना है तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? इस बीच एक काम करो कि तुम सारी फाइल्स चेक कर लो, और हो सकता है हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो हमसे मिस हो गया तो वो तुम मुझे बता देना। ठीक है जान। सिनान तुम मीटिंग में थोड़ी देर से आ जाना, सेल्डा के साथ कुछ फाइल्स चेक कर लो, और कुछ लोग हैं जिन पर सेल्डा को शक है तो तुम भी देख लो, मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूँ, शायद हमें कोई पुख्ता जानकारी मिल जाए। ठीक है भाई मैं देखता हूँ, आप मीटिंग में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है चलता हूँ। देखो मैं सोच रही थी कि इन दोनों पर बहुत उधार है तो ये कमजोर हो सकते हैं। बहुत अच्छे बसाक, बहुत बढ़िया। सॉरी पर कंपनी के जासूस हो तुम। हाँ
बशाक ऑफिस में फोन करती रहती है। बेतुर उसे अच्छे से हैंडल कर रही है। उसने उसे निहत भाई से बात नहीं करवाई और ये बात भी अपने तक ही रखी। ओहो, मैं तो पागल हो जाऊंगी। वो बार बार यहाँ कॉल कर रही है, कितनी पागल है वो। उसकी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे करने की? और वो निहत से क्यों मिलना चाहती है? जब तक वो मेरे पति को हार्ट अटैक नहीं देगी तब तक हार नहीं मानेगी। सर पे सवार रहेगी वो हमारे। येंगे, प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना होगा। ओके सिनान, मैं कब से बताना चाह रही थी कि बस यहाँ का काम खत्म करके मैं एलचिन से मिलने जाने वाली हूँ। आप उसे बशाक के बारे में बात करेंगे प्लीज? उसे समझाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। सच में मैं थक गई हूँ बशाक से, क्या बताऊँ। थैंक यू। ऑल राइट डियर। ओह, बशाक ने हाथ कर दी। सुनो एदा, तुम जो कह रही हो सही है, पर वोल्कन और तुम्हारे डैड भी तो सही है। आई एम श्योर उन्हें भी इस बात की उतनी ही टेंशन होगी, पर सब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जरूरी है कि तुम सब मिलकर इसे हैंडल करो और इसका हल ढूंढो। तुम ठीक कह रहे हो असलम। असलम, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। ठीक है, बताओ। वेल, मुझे तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए, मतलब मैंने प्रॉमिस किया था, पर अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो मैं ये बातें सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो दा? बताओ। मॉम के बारे में है, मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। भैया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.